जय हिंद दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुबह में क्लासेस पर। चलिए आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अभी हमने स्टार्टिंग से चैप्टर वाइज बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है और उसी के रिगार्डिंग हमने पहला चैप्टर जो नंबर सिस्टम है, संख्या पत्ती है, उसको खत्म कर दिया। अभी सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं तो अपने चैप्टर का नाम रहेगा स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आर्मी के एग्जाम में मिनिमम 2 से 4 मार्क्स का इसमें से काम आएगा और बाकी जो हम मैथ के चैप्टर करेंगे उनमें भी इस चैप्टर की बहुत जरूरत रहेगी हमें, ठीक है। स्क्वायर रूट का मतलब क्या है? इसका मतलब हो जाएगा वर्गमूल। और क्यूब रूट का मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा वही घनमूल। एक बहुत सिंपल सा चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए हम शुरुआत कैसे करते हैं। ये चैप्टर शुरू करने के लिए या सीखने के लिए हमें कुछ एक चीजों का पता होना चाहिए, जो बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं। जो बड़ी बड़ी क्लासेस करवाते हैं उनमें ये चीजें नहीं बताते हैं। अभी मेनली जो अग्निवीर का एग्जाम हो रहा है, आप सबने नोटिस देख लिया है, इसमें 17.5 से 21 साल एज कर दिया है, तो ऑलमोस्ट न्यू कैंडिडेट हैं। जो पुराने बच्चे थे, जो एक्सपीरियंस होल्डर थे, जिन्होंने कई भर्तियां देख रखी थी, तो वो सब बच्चे वो एज की वजह से आउट हो गए हैं। तो सब नए बच्चे हैं तो उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, पेपर के बारे में पता नहीं है, तो हम बिल्कुल बेसिक से उनको एक जीरो लेवल से बता रहे हैं। तो अब देखिए इन चीजों में जो वर्ग होता है इसके अंदर भी 2 चीजें रहती हैं, ठीक है। एक यहां पे स्क्वायर हो जाएगा और एक क्यूब हो जाएगा, एक वर्ग हो जाएगा और एक घन हो जाएगा। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? किसी की भी पावर अगर 2 है तो इसका मतलब हो जाएगा स्क्वायर। जैसे हमारे पास में 2 की पावर 2 है तो इसका मतलब क्या है? 2 की कितने बार मल्टीप्लाई हो जाएगी? 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर घन की बात करें तो किसी की भी पावर हमारे पास में 3 है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा, घन हो जाएगा। जैसे यहां पे 2 है तो ये क्या हो जाएगा? इसकी 3 times मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब यहां पे आपको सीखना क्या है, क्या चीजें देखनी है। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो इसके ऊपर ये रूट आ जाएगा, और ये रूट आएगा ना तो स्क्वायर में जैसे पावर 2 होती है तो 2 जोड़े में से एक नंबर बाहर आ जाता है और वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। और जैसे क्यूब में क्या रहेगा? आपको 3 का जोड़ा दिखेगा, यहां पे ये स्पेस खाली रहेगा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और यहां पे अगर घन होगा तो 3 दिखेगा और यहां पे 3 का जोड़ा बनेगा और इसमें से क्या बाहर आ जाएगा? 3 बाहर आ जाएगा। अब देखिए नॉर्मली क्या होता है, जो एक छोटी सी बात होती है बच्चों को नहीं पता होती है, हमें ध्यान रखना है, हमें दोनों चीजें याद रखनी है। और उनमें क्या याद रखने हैं? हमें 1 to 2 लेके मिनिमम 25 तक के हमें स्केयर याद करने हैं। अब वो याद कैसे करने हैं, आपको कैसे हो जाएगा, ये चार्ट आपके सामने दिख रहा है, इसमें से देख के आप अपनी कॉपी के पेज पे लिख लीजिए। और उनको क्या करना है, आप जहां पे भी स्टडी करते हैं, अपना रूम है यहाँ, जहां पे भी आप रह रहे हो, कोई हॉस्टल है तो आप स्टडी करते हो, उस दीवार पे चिपका दो इसको। आप जब भी उस रूम में एंट्री करते हो ना, 4 बार 5 बार एक दिन में उनको रिवाइज करना, ऑटोमेटिक देखना 1 week में वो बिल्कुल सिंपली हो जाएंगे। 1 का स्केयर हमें पता है क्या होता है? 1। 2 का स्केयर क्या है? 4। 3 का क्या हो जाएगा? 9। 4 का क्या हो जाएगा? 16। 5 का क्या हो जाएगा? 25। 6 का क्या होगा? 36। 7 का 49। 8 का 64। 9 का 81। और 10 का क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ऐसे करके हमें ये 25 तक, मिनिमम 25 तक बता रहा हूं। ये क्या याद करने हैं? हमें स्केयर याद करने हैं और उसके बाद में हमें क्या याद करने हैं? मिनिमम 30 तक या 20 तक हमें क्यूब याद करने हैं, ठीक है। क्या याद करने हैं? क्यूब। जैसे 1 का क्यूब क्या होगा? 1। 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 8। 3 का क्यूब क्या होगा? 27। 4 का क्यूब क्या होगा? 64। 5 का क्यूब क्या होगा? 25। ये याद करने हैं और इनको रिवर्स भी याद करना है। रिवर्स कैसे? अगर हमें कोई बोलता है कि 216 का क्यूब रूट क्या होगा तो हमें पता होना चाहिए क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगर कोई हमें बोलता है 512 का क्यूब रूट क्या होगा तो हमें पता होना चाहिए क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। अब देखो मैं आपको एक सिंपल सा बताता हूं स्केयर क्यूब कैसे ध्यान में रखने हैं। हमने देखा वहां पे कि 1 का स्केयर क्या होता है? 1 होता है। 2 का स्केयर क्या होता है? 4। 3 का स्केयर क्या होगा? 9। 4 का स्केयर क्या हो जाएगा? 16। 5 का स्केयर क्या होगा? 25। 6 का स्केयर क्या हो जाएगा?
36, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, और 9 का स्क्वायर क्या होगा 81, और 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। अब देखिए, बहुत आपको इंटरेस्टेड और बहुत काम की चीज बताने वाला हूं, इसको ध्यान से सुन लेना, समझ लेना, कॉपी पेन लेके नोट कर लेना, इसके बाद में आपके मिनिमम डाउट रहेंगे, कोई भी डाउट है वो नहीं रहेगा, ठीक है। अब ये देखिए, यहां पे मैं सबसे पहले बात करता हूं पांच की। पांच को आपने माइंड में सेट कर लेना है कि हम पांच की चाहे कितने भी बार मल्टीप्लाई करें, उसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा, पांच रहेगा। स्क्वायर के अंदर, क्यूब के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर, क्यूब रूट के अंदर सबसे ज्यादा जो हमारे काम आएगा ना, वो हमें यूनिट डिजिट पे ध्यान देना है भाई। यूनिट डिजिट का मतलब क्या होगा, इकाई का अंक। हमें किस पे ध्यान देना है, हमें देना है इकाई के अंक पे ध्यान, क्योंकि हम ज्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करेंगे, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करेंगे, हम खाली यूनिट डिजिट के अकॉर्डिंग ही उसका आंसर निकालेंगे। तो आप देखिए, यहां पे जो पांच आता है ना, वो किस में आता है, जिसका यूनिट डिजिट पांच होगा ना, उसमें ही पांच आएगा। अब तुम अगर देखोगे 15 का स्क्वायर, अगर तुम देखोगे 25 का स्क्वायर, अगर देखोगे 35, या जहां पे भी पांच दिखेगा ना, तो उसका यूनिट डिजिट भी क्या आ जाएगा, पांच आ जाएगा। उसके बाद में जो अगली बात हम देखेंगे, यहां पे क्या है, 6। अब हमने देखा है कि 6 किस में आया है, एक तो 4 में आया है और एक 6 में आया है। हमें ध्यान रखना है, जिस भी संख्या का इकाई अंक 4 और 6 होगा ना, तो उसी का लास्ट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। उसके बाद में आप 9 को देख रहे हो, तो 9 किस में आता है, एक तो 3 में और एक किस में आएगा, 7 में। तो हमें यह भी माइंड में रखना है कि किसी की संख्या में इकाई का अंक 3 और 7 होगा, तो उसमें क्या आएगा, 9 आ जाएगा। उसके बाद में 4 को देख रहे हो, तो 4 किस में आता है, एक तो 2 में आता है और एक किस में आता है, 8 में आता है। उसके बाद में अगर 1 की बात करें, तो 1 किस में आएगा, या तो 1 में आएगा और या किस में आएगा, 9 में आएगा। और 10 का, 20 का, 30 का, 40, जिसके साथ में 0 लगी है, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही आएगा। अब देखो, यहां पे जो बात मैं बता रहा था आपको, क्यों ये चीजें समझा रहा था, ये ध्यान में रखनी है। हमने जब स्टार्टिंग में पहला चैप्टर शुरू किया संख्या पद्धति, तो मैंने बताया था कि ये जो खेल होने वाला है मैथ के अंदर, ये कितने नंबर का, 10 नंबर का खेल है ये, जिसके अंदर क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये ओनली 10 नंबर्स हैं, 10 अंक हैं, जिनका पूरे मैथ के अंदर काम होने वाला है। अब यहां पे आपने देखा कि किसी के स्केयर में क्या है, 0, यस 0 आता है, 1 है, हाँ 1 भी आता है, क्या कहीं पे आपको 2 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, क्या 3 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, 4, यस 4 दिख रहा है, 5 हमने देखा, 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 7 नहीं आ, 8 नहीं आ और 9 नहीं आ। अब यहां पे माइंड में क्या रखना है, क्या चीज है जिसके ऊपर हमें फोकस करना है, कि किसी का भी स्क्वायर रूट है, उसमें 2, 3, 7 और 8, ये 4 अंक आपको किसी में भी नहीं मिलेंगे। अब क्या रहता है, कई बार एग्जाम में पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, ठीक है, विच इज द कंप्लीट स्क्वायर नंबर, कंप्लीट स्क्वायर रूट पूछ लेगा। तो उस टाइम पे हमें देखना है, जो हमें 4 ऑप्शन देते हैं, उनमें से क्या किसी का यूनिट डिजिट 2 है, क्या 3 है, क्या 7 है, क्या 8 है, तो उसी टाइम पे नंबर को आउट कर देना है कि 2, 3 और 7, 8 किसी भी नंबर में नहीं आते हैं। अब देखिए, अपना जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, ठीक है, उससे पहले एक बात और बता देता हूं आपको, ये कुछ एक फार्मूले हैं जो इस चैप्टर में हमारे काम आएंगे, 2-3 फार्मूले हैं, उनको याद रखना है। एक तो है जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला रट लेना, माइंड में सेट कर लेना, बहुत सारे क्वेश्चन में काम आएगा। उसके बाद में है a माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 2ab, ये भी माइंड में सेट रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला जो मैथ का रामबाण है, जो मैथ में बहुत जगह पे यूज होता है, वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, तो ये याद रखना है। ये 2-3 फार्मूले हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं,
हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हैं उनमें काम आने वाले हैं। ए प्लस बी स्केयर आ जाए तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी, ए माइनस बी स्केयर आ जाए तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। दूसरी बात, जब कभी भी हम जैसे रूट तीन गुना में रूट तीन इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या होता है, तीन होता है। ठीक है, ये तीन कहां से आता है, ये तीन क्यों आता है, हम तीन और तीन की मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट तीन और रूट तीन की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, नौ हो जाएगी, और नौ का स्केयर रूट कितना होता है, तीन, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट तीन आ जाएगा। जैसे अगर ये आ जाए रूट चार गुना में रूट चार तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर चार हो जाएगा। डायरेक्ट हमें पता है चार और चार की गुना सोलह और सोलह का रूट कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। तो ये बातें माइंड में सेट रखनी है, आपको पता होना चाहिए इन चीजों का कि अगर ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नंबर आ जाते हैं। अब देखिए अपना पहला इक्वेशन है वर्गमूल और घनमूल स्केयर रूट एंड क्यूब रूट। ठीक है, एक क्वेश्चन 100% जितने भी एग्जाम हुए थे अग्निवीर के उनमें सब में पूछा गया था, कोई कोई एग्जाम ऐसा था जिसमें दो क्वेश्चन भी पूछे गए थे। पहला ही क्वेश्चन है हमारे सामने, ये चार ऑप्शन नहीं है, ये चार क्वेश्चन है अलग अलग। ठीक है, ये चार क्वेश्चन अलग अलग क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। हमें इनके क्या बताने हैं, इनके वर्गमूल बताने हैं। सबसे पहला नंबर है हमारे पास में 0.81। अभी हमने किया था कि 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 81 का क्यूब स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो हमें ये तो पता लग गया कि इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 9। अब हमारा जो कंफ्यूजन है, हम बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं वो किस में होते हैं कि ये पॉइंट कैसे लगाना है। आपको ऑप्शन में क्या रहता है, ऑप्शन में बहुत इजी इजी ऑप्शन देते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए हमारी बात किसकी हो रही है, स्क्वायर रूट की। तो स्क्वायर रूट में क्या रहता है, दो का जोड़ा बनता है। दो का जोड़े का मतलब अगर एक जोड़ा है ना तो एक पॉइंट बाहर आता है, दो जोड़े हैं तो दो पॉइंट बाहर आते हैं, और तीन जोड़े हैं तो तीन पॉइंट बाहर आते हैं। अब एक जोड़ा बन रहा है तो एक के बाद में क्या हो जाएगा, 0.9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो एक है उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा 0.9। उसके बाद में जो अगला नंबर है वो अगला नंबर क्या दे रखा है, 0.0025 ये दे रखा है, इसका स्क्वायर रूट बताना है। देखिए कुछ बच्चे जो ऑलरेडी जिन्होंने तैयारी कर रखी है उनको थोड़ा बोरिंग लग सकता है या उनको लगता है कि बहुत सिंपल क्वेश्चन बता रहे हैं। मैं बिल्कुल एकदम बेस लेवल से क्लास लेके चल रहा हूं, जो नए बच्चे हैं उनके हिसाब से भी सबको साथ लेके चल रहा हूं, लेकिन जो पुराने बच्चे हैं उनको भी इस क्लास में छोटी छोटी चीजें जो आपको कोई नहीं बताएगा वो चीजें भी सीखने को मिलेगी। इसलिए क्या करना है, ध्यान से सीखना है क्लास को। दूसरा, आपने देखा होगा अभी हजारों ऐप आ रखे हैं, हजारों ऐप आपको पेड कोर्स करवा रहे हैं, हम कोई पेड कोर्स नहीं करवा रहे हैं आपको, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री में आपको बिल्कुल जीरो लेवल से क्लासेस दे रहे हैं, तो इसका फायदा उठाना है। ठीक, आपसे कोई फीस नहीं ले रहे हैं, जीरो लेवल से अगर आपको समझा रहे हैं तो आपका फर्ज है कि आप इसको सीखिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फीस नहीं दे सकते हैं, जो कंडीशन उनकी ऐसी है कि वो फीस नहीं दे सकते हैं, तो उन सब बच्चों के लिए है ये। ठीक है, इसको सीखिए, कॉपी पेन लेके बैठिए। अब यहां पे देखिए मैंने स्क्वायर रूट का बताया तो जोड़े कितने के बनेंगे, दो के जोड़े बनेंगे। हमें 25 का वर्गमूल पता है कितना होता है, 5। दो के बाद में पॉइंट लगाना है, लेकिन ये संख्या क्या है, एक ही संख्या है। अब एक संख्या है तो दूसरी संख्या क्या बनेगी, इसके साथ में जीरो लगेगी, दो के बाद में पॉइंट एक दो, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 0.05 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख लेना, बहुत कंपटीशन होने वाला है और आपको पेपर में देखने को मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन नंबर जो दे रखा है ये दे रखा है 0.0121, इसका स्क्वायर रूट बताना है। हमें पता है 121 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 11। तभी मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि मिनिमम 30 या 25 तक स्क्वायर रूट याद करके रखो, एग्जाम में जो पूछा जाता है तो ऑलमोस्ट 30 से पहले का ही पूछते हैं। अब हमें पता है 121 का कितना होता है, 11 होता है। जोड़े कितने बन रहे, एक दो, तो एक और दो, दो के बाद में पॉइंट लगा दो, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 0.11 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दे रखा है 0.0000441, ये दे रखा है, इसका स्क्वायर रूट बताना है। सबसे पहले जोड़े बनाइए, एक दो और तीन, इसका मतलब क्या है, तीन के बाद में पॉइंट लगेंगे।
441 किसका स्क्वायर रूट होता है? यह होता है 21 का, ठीक है। 20 का 400 होता है, 21 का 441, तीन के बाद में पॉइंट लगाना है, 1, 2, 3, तो यह कितना हो जाएगा? 0.021 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये नेक्स्ट आपको फार्मूलाज बताई है, ठीक है। उसके बाद में ये बताना है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित संख्याओं के घनमूल ज्ञात करने। अब घनमूल ज्ञात करेंगे तो ये सबसे पहला दे रखा है 0.027, और इसका क्या बताना है? घनमूल बताना है। अब क्या है, जब पेपर में क्वेश्चन आएगा ना, अगर नॉर्मल ऐसे सिंबल के साथ में दिया तो यहां पे आपको 3 देखने को मिलेगा, जिसका मतलब होता है कि क्यूब रूट करना है या घनमूल करना है। और अगर ये नहीं होगा तो फिर ऐसे लिखा जाएगा, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग या संख्याओं के घनमूल ज्ञात कीजिए, ये दोनों चीजें आपको देखने को मिलेगी। अब हमें पता है अगर हम 3 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 3 × 3, 3 × 3 = 9 और 9 × 3 = कितना हो जाएगा? 27। तो हमें पता लग गया भाई इसका क्यूब रूट कितना होता है? 3। पॉइंट का देखना हमें कि पॉइंट कितने के बाद में लगेगा, तो मैंने अभी बताया था अगर घनमूल निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, तो जोड़े कितने के बनेंगे? 3 के। तो 3 के बाद में 3 का एक जोड़ा बनेगा, तो एक के बाद में पॉइंट लगा देंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 0.3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट दे रखा है भाई 1.331, ठीक है, 1.331 इसका क्यूब रूट बताना है, ठीक है। तो ये किसका हो जाएगा? अगर आप करते हो 11 की पावर 3, 11 की पावर 3 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, 11 और 11 की गुना कितना होगा? 121। 11 से गुना करो, 11 × 11 11 × 2 = 22 और 1 = 23, 11 × 11 = 2 = 13, मतलब 11 होता है। अब पॉइंट देखना है तो कितने जोड़े बन रहे हैं? 1, तो 1 के बाद में पॉइंट लगाएंगे तो 11 में 1 के बाद में पॉइंट क्या हो जाएगा? 1.1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 0.000216 है, तो इसमें क्या करना है? 2 जोड़े बन जाएंगे, 2 के बाद में पॉइंट लगाना। इसमें भी कितने जोड़े बन जाएंगे? 2 जोड़े बन जाएंगे, तो 2 के बाद में पॉइंट लगा देना। ये नॉर्मली एग्जाम में कई बार क्या रहते हैं, पॉइंट्स वाले पूछते हैं, तो आपको पॉइंट्स वाले कैसे सोल्व करने हैं? अगर स्क्वायर रूट में पॉइंट दे रखा है तो 2 नंबर का एक जोड़ा बनाना है, जो 2 अंक हैं उन 2 का एक जोड़ा बनाना है, और अगर क्यूब रूट में दे रखा है तो हमें 3 का जोड़ा बनाना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेनली जो आर्मी जीडी का एग्जाम होता है उसमें ऐसे पूछा जाता है कि 76176 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब देखिए मैंने तुम्हें बताया था, हमने देखा है कि इसमें 76176 में यूनिट डिजिट देखिए, यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट है 6। हमें पता है 6 हमने देखा था, 6 किसमें आता है? ये देखिए यहां पे 6 आता है किसमें? एक तो 4 में आता है और एक किसमें आता है? 6 में आता है। 4 और 6 जिसका यूनिट डिजिट होगा ना, तो उसमें ही क्या होता है? 6 आता है, ठीक है। अब देखिए हमने देखा ये क्वेश्चन, तो इसमें हमसे पूछ रखा है 76176। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिसमें यूनिट डिजिट 6 और 4 होगा वो देखेंगे, 0 वाला ऑप्शन कट हो जाएगा। अब इन दोनों में से एक कोई ना कोई आंसर होगा, 90% तो एग्जाम में ऐसा होता है जो हमारा करेक्ट आंसर होता है वो एक ही जगह पे एक सेम टाइप का ऑप्शन रहता है, उसमें 4 भी नहीं मिलेगा। तो तुम्हें देखना है यूनिट डिजिट 6 है, तो फटाक से अगर 6 वाला एक ऑप्शन मिलता है तो वो हो जाएगा। अब देखिए 276 में से और 144 में से एक सिलेक्ट करना है कि इसका स्क्वायर रूट कौन सा हो जाएगा। अब यहां पे भी आपको देखना है कि ये 144 है, तो 144 मतलब क्या हो गया? 150 के आसपास का नंबर है। 150 का करते हैं तो 15 का स्क्वायर 225 और 2 जीरो लगती है, तो ये कितना होता है? 22,500। और ये कितना है? 76176, मतलब बहुत बड़ा नंबर है इससे, तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 276 हो जाएगा, 276 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है भाई, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलेंगे और इनको ध्यान से देख लेना। अब देखिए जब ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो कई बार ये क्वेश्चन ऐसे आता है, जैसे यहां पे दे देंगे रूट 225 और यहां पे दे देंगे 25, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो इसको दो तरीके होते हैं सिंप्लीफाई करने का, ये एक सिंगल हमारे पास में इसके रूट दे रखा है, तो हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे 225 है और अकाउंट में क्या लिख सकते हैं? रूट 25 लिख सकते हैं। अब 225 का स्क्वायर रूट हमें पता है कितना होता है? 15, और 25 का कितना होता है? 5। इसको अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 3, ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहां पे भी कर सकते थे,
25 और 25 9 जा कितना होता है 225, क्या बच जाएगा रूट 9 और रूट 9 का कितना होता है कंप्लीट 3 होता है, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, रूट 5808 अपॉन में 48। तो अब अगर हम इसको देखते हैं तो ये 48 किसी का भी कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता है, क्योंकि हमें पता है यूनिट डिजिट क्या है 8, और 8 हमें पता है 2, 3, 7 और 8, ये चार नंबर किसी के भी कंप्लीट स्क्वायर रूट में नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। तो ये अपॉन का मतलब क्या है, इसके भाग में हम क्या करेंगे, यहां पे 5808 को किससे डिवाइड कर देंगे, 48 से डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले किस पे जाएगा, 8 पे जाएगा, 8 पे 8 में से आ गया 0, 5 में से आ गया 1, आगे क्या जाएगा 0 आ जाएगा। अब किस पे जाएगा, 2 पे, 2 पे कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, माइनस करेंगे कितना बचेगा 4, 48 अब किस पे जाएगा 1 पे जाएगा 48। तो मतलब जब इसको कंप्लीट हम सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, रूट 121 आ जाएगा। और अभी हमने एक क्वेश्चन पहले किया था, रूट 121 किसका होता है स्क्वायर रूट कंप्लीट 11 का, तो इसका कंप्लीट स्केयर और जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा राइट आंसर। समझ में आ रहा है, अगर किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है वो कमेंट कर देना, हम उसका नेक्स्ट क्लास में रिप्लाई देंगे। जो पढ़ा रहे हैं उससे क्या आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है, क्या इस क्लास को कंटिन्यू लेके चलना है, तो ये सब चीजें कमेंट करके बताना है। जब लाइव चैट चलती है तो हम आप सबके कमेंट्स नहीं पढ़ पाते हैं, उस टाइम पे कंप्लीट फोकस पढ़ाने के ऊपर रहता है। तो आप ये कंप्लेंट मत कीजिए कि आप हमारे कमेंट्स नहीं पढ़ते हैं, आपका हर एक कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूबल रहता है। हम देखते हैं कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम आती है और नेक्स्ट क्लास में उसको फिर हम सॉर्ट आउट करने की भी कोशिश करते हैं। लाइव चैट में कमेंट करने के बाद में आप जब कंप्लीट वीडियो हो जाती है तो उसके बाद में आप अपना फीडबैक दीजिए, क्योंकि जो लाइव चैट वाले कमेंट्स हैं वो सारे गायब हो जाते हैं, उसके बाद में जो कमेंट्स रहते हैं उन कमेंट्स को हम देखते हैं। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगती है। आपको पता है मॉर्निंग में 10 बजे शुभम सर की साइंस और जीके की कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं, साथ साथ में उसमें पूरा कंप्लीट पेपर भी होता है। ठीक है, टॉपिक वाइज भी बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं, और शाम को 5 बजे हर रोज इसी चैनल पे आपकी मैथ की क्लास होती है। तो कंटिन्यू जुड़े रहिए, आपका सपोर्ट लाइक करके हमें दिखाते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूट 324 अपॉन में 1.5, ये क्वेश्चन मार्क दिया और 256। अब देखिए, मैंने आपको बोला कि आप 30 तक याद रखिए, 324 का हमें पता है कितना होता है स्क्वायर रूट 18 होता है, अपॉन में क्या है 1.5, बराबर में क्वेश्चन मार्क है, इसको या तो क्वेश्चन मार्क रखो या एक्स रखो, 256 का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब देखिए यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे जब भी बराबर का निशान आ जाता है ना तो इनका क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यहां पे ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.5x, और बराबर में क्या हो जाएगा 18 गुना में 16 हो जाएगा। अब यहां से x की वैल्यू निकालनी है तो ये 1.5 कहां पे आ जाएगा, इसके अपॉन में आ जाएगा। अब देखिए बिल्कुल सिंपल सा मेथड बताता हूं आपको, ये पॉइंट हटाना है तो इसके अपॉन में क्या कर दो 10 कर दो, इसका मतलब ये पॉइंट यहां से गायब हो जाएगा। अब ये 1, 2 और 3 नंबर हो गए, जो नए बच्चे हैं वो ध्यान से सुन लो, जो 3 और 4 नंबर एक साथ में होते हैं ना तो थर्ड या फोर्थ नंबर है वो कहां चला जाता है, ऊपर चला जाता है, ये यहां से पॉइंट भी खत्म हो जाएगा और ये जो नीचे नंबर था वो भी खत्म हो जाएगा। अब यहां पे क्या बचेगा, यहां पे बचेगा भाई 15, अब इसको काट दो 5 से, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 दिए 15, 3 से काटेंगे किस पे कट जाएगा 6 पे, अब इसकी गुना करेंगे 16 और 6 की गुना कितनी होती है 96, बच गया क्या 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2, 6 जा 12 कैरी 1, 2, 9 जा 18 और 1 कितना होगा 19, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 192 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूं आपको और मेरे को लग रहा है आपको समझ में भी आ रहा होगा, इससे सिंपल वे आपको कोई भी क्लासेस वाला नहीं बताएगा, इतना डिटेल्स में नहीं बताएगा, साथ साथ में आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो उनको भी शेयर करते हैं। अब ये देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने, हमें पता है 196 का स्क्वायर रूट कितना होता है 14 होता है, अपॉन में क्या है 7 मल्टीप्लाई 900 का कितना हो जाएगा 300 और अपॉन में क्या है एक्स ले लो या क्वेश्चन मार्क ले लो और बराबर में क्या रहेगा 4। अब देखिए यहां से इसको हम काट भी सकते हैं, 7 से 1 कट जाएगा और 7 से क्या हो जाएगा ये 2 पे कट जाएगा, 7 से 1 हो जाएगा और 7 से 2 पे कट जाएगा ये। अब देखिए इसकी गुना करेंगे कितनी गुना हो जाएगी 30 की और 2 की गुना क्या हो जाएगी 60 अपॉन में क्या होगा एक्स और बराबर में क्या हो जाएगा 4 अपॉन में 1 हो जाएगा। ठीक है,
इसको हमने कर दिया 14 हो जाएगा, फिर अपॉन में 7 गुना में 30 अपॉन में x और बराबर में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए यहां पे फिर हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या आप यहां से यहां पे भी काट सकते हो और यहां से यहां पे भी काट सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 4x और 60 और 1 की गुना क्या हो जाएगी 60 हो जाएगी। 4 से काट दो, 1 4 से किस पे कट जाएगा 15 पे, x का मान क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। यही बात हमसे पूछ रहा था कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क पे क्या आ जाएगा ऑप्शन ए आ जाएगा 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 625 का रूट सबको पता है कितना होता है 25 होता है, मल्टीप्लाई 729 के सामने ये देखो यहां पे क्या दिया 3, तो इसका मतलब इसका क्या करना है घनमूल करना है, इसका क्या करना है घनमूल करना है। तो अब ये किसका हो जाएगा 9 का हो जाएगा, 9 की पावर 3 तो 9 into 9 into 9 जा 81 की और 9 की मल्टीप्लाई करो 91 जा और कितना हो जाएगा 729, तो ये कितना हो जाएगा 9, 25 की और 9 की गुना कितनी होती है 225, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये देखिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑलमोस्ट बच्चे छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे सोल्व करना है बिल्कुल सिंपल तरीका बताता हूं इसका, देख लेना कैसे सोल्व करना है। अब क्या था जब ये नंबर ऐसे अलग अलग प्लस और माइनस में देते हैं तो हम उसको जोड़ और घटा नहीं कर सकते हैं, हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं बट प्लस और माइनस नहीं कर सकते हैं। अगर ये दोनों नंबर ऐसे दिए जाए 4 + 3 तो हम जोड़ के लिख सकते हैं 7, अगर ये ऐसे दिया जाए √4 और प्लस में √3 तो अगर √7 किया तो फिर ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ये ऐसे नहीं कर सकते। अगर हमें ये दे √4 गुना में √3 तो हम इसको √12 लिख सकते हैं, बट हम अगर ये दिया √4 माइनस √3 तो हम √1 नहीं लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है ऐसे प्लस और माइनस नहीं कर सकते हैं, गुना और भाग हम कर सकते हैं, ये बात माइंड में सेट रखनी है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करने हैं, आप भी साथ साथ में आंसर दीजिए, अगर आपका आंसर आ रहा है तो आप इसको सोल्व करिए। ये देखिए ये दे रहा है √24 प्लस में √216 अपॉन में √96। जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना तो आपको एक कॉमन नंबर देखना होता है जो ऑलमोस्ट हमारे सभी नंबर को कंप्लीट डिवाइड करता हो, और वो शुरुआत किससे करनी है, वो आपको करनी है जो सबसे छोटी संख्या दी है ना उसको देखना है। अब आपको सबसे छोटी संख्या क्या दिख रही है √24, आपको क्या करना है √24 को कॉमन ले लेना है। क्या किया √24 को कॉमन ले लिया तो यहां पे क्या बचेगा 1 प्लस। अब √24 से इसको करेंगे तो ये देखिए किस पे आता है और किस पे करता है, ये भाग होगा ये कंप्लीट, ये कंप्लीट हो जाएगा किस पे 9 पे हो जाएगा भाई, ये 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा √9 हो जाएगा। 24 की और 9 की गुना करोगे 9 चौके 36 कैरी 3 9 दुनी 18 और 3 कितना होगा 216, तो यहां पे क्या आ जाएगा √9 आ जाएगा। अब ये देखिए यहां पे ये ऐसे नहीं करना है कि √24 वहां पे कॉमन लिया तो 96 को 4 से डिवाइड कर दे, ऐसे नहीं करना है। अब हमें देखना है कि ये 96 है तो 96 को क्या हम 16 गुना में 6 लिख सकते हैं, 16 गुना में 6 लिख सकते हैं क्या, 16 की और 6 की गुना करो कितना होता है 6 × 6 = 36 कैरी 3 6 कम 6 और 3 9 16 × 6 = 96 होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं √16 × 6 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिए √16 और √6 लिख दिया है, या और भी कुछ लिख सकते हैं, और कोई इसका जोड़ा बना सकते हैं जो इसको कंप्लीट डिवाइड कर दे, इसका एक और जोड़ा भी बना सकते हैं √16 की बजाय, इसको क्या ले सकते हैं √24 गुना में √4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 24 की और 4 की गुना भी कितनी होती है 96, ताकि क्या है हमें काटने में इजी हो जाएगा ये, ठीक है। √24 और गुना में √4 तो 24 और 4 की गुना कितनी हो जाएगी 96 हो जाएगी। अब यहां पे देखिए क्या हो जाएगा 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा, 24 से क्या हो जाएगा 24 कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस √9 का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और अपॉन में √4 का कितना हो जाएगा 2। बिल्कुल सिंपल हो गया क्वेश्चन, 3 और 1 कितना होगा 4, अपॉन में क्या करेंगे 2 काट दो, कितना आंसर आ जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा 2, ठीक है।
समझ में नहीं आया हो तो एक बार से वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। रूट 24 हमने यहां से कॉमन लिया, यहां से कॉमन लिया तो यहां पे क्या बच जाएगा, 1 प्लस। अब इसको 216 को 24 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, रूट 9 हो जाएगा, अपॉन में 96 के हमने जोड़े बना दिए, रूट 24 इंटू 4। अब 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1, और रूट 9 का कितना हो जाएगा, 3, रूट 4 का कितना होगा, 2, और 4 अपॉन में 2 कितना आंसर आ जाएगा, 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए भाई, ये जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना तो ऑलमोस्ट सारे बच्चे इसको छोड़ के आगे निकल लेते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आज ये क्वेश्चन इस हिसाब से सिखा दूंगा आपको कि आगे आप इस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं निकलोगे। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बिल्कुल सिंपली उसको सोल्व करोगे। अब देखिए इसको सोल्व करने के लिए करना क्या है, रूट 5 माइनस रूट 3, अपॉन में दिया है रूट 5 और प्लस में रूट 3 दिया, ठीक है। इसका एक सब्जेक्टिव मेथड बताता हूं आपको। जब ये ऐसा क्वेश्चन दिया है तो आपको क्या करना है, जो नीचे वाला नंबर है उसके निशान चेंज करके उसी से गुना कर देना और उसी से क्या कर देना, भाग कर देना। अब कई बच्चे बोल रहे होंगे सर ये भाग क्यों कर रहे हैं, गुना क्यों कर रहे हैं। अब देखिए अगर मैं 5 को 2/2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। मैंने इसको 2 से गुना किया, जैसे अगर मैं इसको यहां पे सिंपली 2 से गुना करता, अगर 5 को 2 से गुना करता बहुत फर्क पड़ता, ये डबल हो जाता, बट मैंने गुना करके इसको भाग कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या रहेगा, 1, 5 और 1 की गुना क्या हो जाएगी, 5। तो मतलब अगर मैंने इसी नंबर से गुना कर दिया और इसी से भाग कर दिया तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क क्या पड़ेगा, हमें आंसर निकालने के लिए इजी हो जाएगा। अब ये देखिए यहां पे क्या हो गया, रूट 5 और माइनस में रूट 3, ये क्या हो गया, इसका होल स्केयर हो गया। क्यों हो गया, ये यहां पे है रूट 5, ये यहां पे, दो दो बार नंबर दिए तो रूट 5 माइनस रूट 3 का क्या हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा। अब ये देखिए रूट 5 प्लस रूट 3, रूट 5 माइनस रूट 3, ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्लास शुरू करने से पहले मैंने आपको तीन फार्मूले बताए थे, वो तीनों इसी चैप्टर में बहुत काम आएंगे। ए प्लस बी ए माइनस बी किसका फार्मूला है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब ए स्केयर क्या हो जाएगा, रूट 5 का स्केयर, और माइनस बी का स्केयर क्या हो जाएगा, रूट 3 का स्केयर। अब ये ऊपर फार्मूला बन गया ए माइनस बी का स्केयर, तो ए माइनस बी स्केयर क्या होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर रूट 3 का स्केयर और माइनस 2ab, तो क्या हो जाएगा, 5 गुना में 3 हो जाएगा, और अपॉन में अभी बताया था अगर रूट 5 की दो बार गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5, और रूट 3 की दो बार गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या करना है, यहां पे भी वही सेम कहानी है, रूट 5 की दो बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5, रूट 3 की दो बार गुना करेंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा, 3, और माइनस में 2, 5 और 3 की गुना क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी, और अपॉन में 5 में से 3 का क्या बचेगा, 2 बच जाएगा, 5 में से 3 का क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। अब यहां पे अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8, 5 और 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, यहां से क्या कॉमन ले लेंगे, यहां से 2 को कॉमन लिए और यहां पे कितना बचेगा, 4, माइनस में ये क्या बचेगा, रूट 15, और इसके अपॉन में ऑलरेडी 5 माइनस 3 किया हमने, कितना है, 2, तो 2 से क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर क्या बच जाएगा, 4 माइनस में रूट 15 इसका करेक्ट आंसर बच जाएगा, 4 माइनस में क्या बच जाएगा, रूट 15 बच जाएगा इसका, ध्यान से देख लेना है। अगर नहीं क्लियर होता है नेक्स्ट एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, ऐसा ही इस क्वेश्चन से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सेम वही क्वेश्चन है, देखिए कैसे सोल्व करना है, ये नंबर लिख दिया हमने, थोड़ा सा इधर करते हैं, रूट 7 प्लस में रूट 5 और अपॉन में दिया है रूट 7 माइनस में रूट 5। अब आपको क्या करना है, इसी नंबर से गुना कर दो और इसी नंबर से क्या कर दो, भाग कर दो। खाली ये ध्यान में रखना है अगर प्लस दिया है तो माइनस करना है और माइनस दिया है तो क्या करना है, प्लस करना है। अब देखिए यहां पे ये क्या बन गया, ये दोनों बार दोनों नंबर दिए हैं तो रूट 7 प्लस में रूट 5 ये क्या हो जाएगा, इसका स्केयर ए प्लस बी स्केयर अपॉन में ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो रूट 7 का स्केयर और माइनस में बी क्या है, रूट 5, तो ये क्या हो जाएगा, 5 का स्केयर। ए प्लस बी स्केयर किसके बराबर होता है, ए स्केयर रूट 7 का स्केयर प्लस बी स्केयर रूट 5 का स्केयर प्लस 2ab, तो 2 गुना में रूट 7 गुना में रूट 5 और अपॉन में
सात का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सात माइनस रूट पांच का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पांच। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रूट सात की दो बार गुना करेंगे कितना हो जाएगा, सात प्लस में पांच की दो बार करेंगे कितना होगा, पांच प्लस टू इंटू में सात और पांच की गुना क्या हो जाएगी, 35। सात में से पांच गया क्या हो जाएगा, दो। अब इसको अगर जोड़ेंगे तो सात और पांच कितना होगा, 12 प्लस में क्या हो जाएगा, टू और रूट क्या हो जाएगा, 35 अपॉन में क्या होगा, दो हो जाएगा। अब क्या करना, इसमें से दो को कॉमन लो, यहां पे कितना बचेगा, 6 प्लस में रूट 35 और अपॉन में क्या आ जाएगा, दो। दो से क्या हो जाएगा, दो कैंसल, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 6 प्लस में रूट 35 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, यूट्यूब पे कितना भी एक्सप्लेन करें हम, कितना भी आपको डिटेल्स में समझाए, फिर भी थोड़ा बहुत डाउट रहता है। अब जो हमारे सामने बच्चे बैठे हैं क्लास में, ऑफलाइन क्लास में, तो वो बिल्कुल सिंपली इसको समझ गए हैं। उनको नहीं समझ में आता है, कोई डाउट रहता है तो वो हमसे पूछ लेते हैं। अब क्या है, यहाँ पे ये ऑफलाइन क्लासेज भी चल रही है, यहाँ पे ग्राउंड्स की तैयारी भी चल रही है, 1600 मीटर की रनिंग का कॉम्पिटिशन भी लिया जाता है। ये क्या है, अहमदनगर शहर है, ठीक है, ये अहमदनगर शहर है महाराष्ट्र में, और यहाँ पे ये एकेडमी है भाई, ठीक है, जो कोचिंग है यहाँ पे महाराष्ट्र अहमदनगर में है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो पिछली भर्ती में है, अग्निवीर की भर्ती में पहले बैच में जो हुए, उसमें बहुत बच्चे जो ऑफलाइन वाला बैच था उसमें सिलेक्ट भी हुए हैं। तो अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जिसको यूट्यूब की क्लास में नहीं समझ में आता है, या कोई बच्चा ऐसा है जो ऑफलाइन क्लासेस करना चाहता है, तो वो हमारे नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर लेना और यहाँ पे पहुंच जाना है अहमदनगर में। ये नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके आपको कोई भी डिटेल्स पूछनी हो, ठीक है, कोई भी डिटेल पूछनी है तो इस नंबर पे मैसेज कर लेना, ठीक है, और मैसेज करके आपका कोई भी डाउट है वो पूछ सकते हो आप, महाराष्ट्र के अहमदनगर में, ठीक है, MH है। तो स्पेशली जो महाराष्ट्र वाले बच्चे हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन क्लासेज है सभी, मैथ, रीजनिंग, GK, साइंस, ठीक है, तो सारी क्लासेज रहती है, वीकली टेस्ट रहते हैं। तो जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है वो इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो सेम क्वेश्चन दे रखा है वैसा ही, 1/√9 - √8, और ये क्वेश्चन मार्क दिया है। अब देखिए इसको भी वही सेम तरीके से सोल्व करना है, क्या करना है, ये नंबर लिख दो 1/√9 - √8। अब हमें क्या करना है, इसी नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है रूट नाइन, और प्लस में क्या हो जाएगा, रूट एट हो जाएगा। ये यहां पे भी क्या हो जाएगा, 9, और यहां पे क्या होगा, 8। पहले वाले दोनों जो क्वेश्चन किए हैं ना, उनमें वो फार्मूला बन रहा था a+b² या a-b², यहां पे ये सिंगल नंबर है, कोई फार्मूला नहीं बन रहा है, तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे रूट नाइन प्लस में रूट एट, ठीक है। अब यहां पे देखिए, ये a-b और ये a+b, तो a-b क्या हो जाएगा, a-b और a+b, तो ये हो जाएगा a²-b². अब 9 का स्केयर, रूट नाइन का स्केयर 9 होगा, प्लस 8 का स्केयर, तो ये क्या हो जाएगा, 9 - 8 क्या होगा, 1। तो ये नीचे वाला नंबर है, ये कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा, तो अपना बचेगा क्या, रूट नाइन प्लस रूट 8। अब अगर ये ऑप्शन में नहीं दे रखा है, ये ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो हमें इसको आगे और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हमें पता है रूट नाइन किसका स्केयर रूट होता है, ये 3 का होता है, प्लस क्या रूट 8 को 4 × 2 लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं बिल्कुल, और 3 प्लस में रूट 4 का कितना हो जाता है, 2, और ये क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, ठीक है, 3 + 2√2, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 + 2√2, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दे रखा है भाई, इसका वर्गमूल बताना है हमें, ठीक है, स्क्वायर रूट बताना है। अगर ये नहीं दिखेगा आपको तो ये ऐसे दिख जाएगा, इस नंबर के ऊपर हमें इसका स्क्वायर रूट बताना है। कभी यहां पे अगर 3 दिखता है तो इसका मतलब क्यूब रूट है, और कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका मतलब इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। अब देखिए यहां पे ये जो नंबर दिए गए हैं, इनका अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो सबसे पहले हमें पॉइंट को काउंट करना है। अब पॉइंट को कैसे काउंट करना है, अब यहां पे देखिए कितने पॉइंट है, 3, यहां पे 3 पॉइंट है, यहां पे भी 3 है, 6, और यहां पे भी 3 है, 9। इसका मतलब ऊपर कितने पॉइंट है, टोटल 9 पॉइंट है। अब यहां पे देखिए कितने हैं, 4, यहां पे भी 4, 8, और यहां पे 1, 9, मतलब ऊपर भी 9 पॉइंट और नीचे भी 9 पॉइंट है। इट्स मीन ये सारे पॉइंट्स क्या हो गए, कैंसल हो गए, ठीक है, ये जितने भी पॉइंट थे ना, ये सारे के सारे पॉइंट क्या हो गए, कैंसल हो गए हैं। अब हमारा ये नॉर्मल नंबर है कि 324 गुना में 81 गुना में 4624
अपॉन में क्या है 15625 गुना में 289 और गुना में 729 और गुना में 64। ये एक नॉर्मल नंबर है, सिंपल नंबर है। सारे पॉइंट्स क्या हो गए, खत्म हो गए पॉइंट्स। ऊपर भी पॉइंट्स है 9 और नीचे भी 9 है, तो सारे पॉइंट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब आप देखोगे 324, तो 324 का कितना होता है 18, 18 का 324 का स्क्वायर रूट कितना होता है 18, 81 का कितना होता है 9। अब ये देखना है 4624, अब 4624 का आपको अगर याद नहीं है ऐसे नॉर्मली, तो आपको देखना है ये किसके नजदीक है, और वो नजदीक वाला कैसे देखना है। नजदीक के लिए आपको ये याद रखने हैं 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, 60 का स्क्वायर कितना होता है 3600, 70 का स्क्वायर कितना होता है 4900, 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6400, 90 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8100 और 100 का कितना हो जाएगा 10000 हो जाएगा। ये याद रखना है, ये ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये इसके ऐसे याद रखना है। अब आप देखोगे 4624, तो ये 4624 कहां पे है, ये 60 और 70 के आसपास में है, 60 और 70 के आसपास में है, 60 और 70 के आसपास में। इसमें यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। हमें पता है 4 किस में आएगा, या तो 62 में आएगा और या किस में आएगा 68 में आएगा, ठीक है। तो अब ये ज्यादा नियरेस्ट किसके है, 4900 के या 3600 के, तो 4900 के नजदीक है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा भाई 68, ठीक है। 324 का 18, 81 का 9 और इसका कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा अपॉन में। 15625 का देखना है। अब 100 का देखा, 100 का कितना है 10000, 100 का 10000 है, तो 15625 किसका हो जाएगा, 12 का 144 होगा, तो ये कितने का हो जाएगा 125 का करके देखिए। अगर 13 का करते हो 169, तो वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसके नजदीक में कितना नंबर है 125 है, 125 का करके देखिए, तो इसका क्या हो जाएगा 125 ही होगा शायद, ठीक है। 5 और 5 की गुना 25 कैरी, 2 5 दूनी 10, 2 12 1 6 हो जाएगा, 2 5 10 1 4 और 1 5 और ये 2 हो जाएगा, ये 5 2 और 1 5, 2 5 5 10 और 6 16, 5 15625, तो ये किसका हो जाएगा 125 का हो जाएगा। 289 किसका होता है 17 का होता है, उसके बाद में 729 ये किसका हो जाएगा 27 का हो जाएगा, उसके बाद में 64 किसका हो जाएगा 8 का हो जाएगा, ठीक है। जो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो, 17 से 17 चौके 68 हो जाएगा, 4 से 4 दुनी 8 हो जाएगा, ठीक है, 9 से 9 तिया 27 हो जाएगा, और क्या बचेगा 3 दुनी 6 और 6 से करोगे तो किस पे कट जाएगा 3 पे कट जाएगा। अब यहां पे बच गया क्या, ये इतना सोल्व करने के बाद में यहां पे बच गया है 3 अपॉन में 125। ऑप्शन में देखिए 3 अपॉन में 125 है, अगर नहीं है तो हमें क्या करना है 3 को 125 से डिवाइड करना है। क्या भाग जाता है, नहीं जाता है, जीरो लगा दिए एक, नहीं गया, फिर लगा दिए एक और, तो यहां पे भी एक जीरो लग जाएगी, ठीक है। अब किस पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 2 पे हो जाएगा 2 पांच 10, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 250, कितना बच जाएगा 50, फिर एक जीरो आ जाएगा। अब किस पे जाएगा 4 पे, 4 पे कंप्लीट 500 होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 0.024 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूट 10 गुना में रूट 15 ये दे रखा है भाई। अब 10 और 15 का हम डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। अब रूट 150 का हमें पता है कोई भी पूरा पूरा स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो हम देखेंगे यहां पे कि क्या नंबर दे रखे जो इसको कंप्लीट बना दे, वो कैसे बनाएंगे। अब अगर हम इसको लिख दें 25 की और 6 की गुना कितनी हो जाएगी, 25 और 6 की गुना 6, 25 का 150 होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं रूट 25 गुना में 6, और रूट 25 का कितना होता है 5 और ये क्या हो जाएगा 6, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर 5 रूट 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया ऐसा क्वेश्चन। अब ये देखिए ये क्या हो जाएगा 112 अपॉन में क्या होगा 196 किसका हो जाएगा 14 का,
576 किसका हो जाएगा भाई, यह हो जाएगा 24 का, अपॉन में क्या होगा 12। 256 किसका होता है 16 का, और अपॉन में क्या हो जाएगा 8। काट दो यहां से, 12 से 12 दुनी 24, 8 से 8 दुनी 16, 14 से किस पे कट जाएगा 8 पे, 14 8 112, 8 दुनी 16 और 16 दुनी क्या हो जाएगा 32, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, अभी ये जो चैनल है ना इस पे हमारी क्लासेस चल रही हैं टॉपिक वाइज, ठीक है, जो कंप्लीट चैप्टर है उसके टॉपिक वाइज क्लास चल रही है। इसके बाद में अगर आपको मिक्स क्वेश्चन की क्लास देखनी है, मिक्स जो आर्मी के प्रीवियस ईयर के जो पहले एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, जिनमें 15 क्वेश्चन है वो मैथ के होते हैं और 5 क्वेश्चन है वो रीजनिंग के होते हैं, 20 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज लगती है, तो वो अपना चैनल है फ्यूचर सोल्जर्स, ठीक है, सर्च कर लेना यूट्यूब पे फ्यूचर सोल्जर्स, इस नाम से ये चैनल रहेगा, मेरा फोटो रहेगा उस पे, उस पे इसके जस्ट बाद में ये 5 बजे से क्लास इस पे शुरू करते हैं और 6 बजे उस पे लाइव क्लास रहती है, जिसके ऊपर हम मिक्स क्वेश्चन का एक टेस्ट लगाते हैं हर रोज, जिसमें मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो जो बच्चा एडवांस तैयारी करना चाहता है, क्योंकि अभी पेपर के लिए इतना टाइम नहीं है हमारे पास में, 2 महीने का ही टाइम है, तो साथ में हम सिलेबस भी कवर करेंगे और प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे, तो जो बच्चा एडवांस तैयारी करना चाहता है, थोड़ी मिक्स क्वेश्चन की भी तैयारी करना चाहता है, तो वो जल्दी से इस क्लास के बाद में जस्ट बाद में हमारे उस चैनल से भी ज्वाइन हो जाना है। चलिए अब ये देखिए ये क्वेश्चन कैसे करना है। अब यहां पे देखिए 3.6 - 0.36, तो इसको कैसे करना है, 3.6 में से 0.36 को माइनस कर देना है। माइनस करेंगे 10 में 6 का यहां पे क्या लेंगे 0, ये बचेगा 4, 5 में 3 का क्या बचेगा 2 और यहां पे क्या होगा 3, तो अब ये क्या बच गया √3.24। हमें पता है 324 किसका होता है 18 का, और एक जोड़ा बन रहा तो एक के बाद में पॉइंट लगाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1.8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज की क्लास के 15 क्वेश्चन, जिसमें हमें टोटल टॉपिक के बारे में बताया है, कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो बताया है। कल इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, जितने भी क्वेश्चन हैं जिस जिस टाइप के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन हैं वो कल इस पे मिल जाएंगे। कल फिर मिलेंगे 5 बजे इसी टाइम पे। अभी तक भी चैनल ने जिस भी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करें। आप अपनी राय अभी क्लास के बाद में कमेंट्स में जरूर बताएं, आपको क्लास कैसे लगती है, आपके लिए हेल्पफुल है क्या, आपका स्कोर क्या रहता है, आप कहाँ से क्लासेस को देख रहे हैं, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, ये सब बातें आप हमारे साथ में शेयर करें। कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।